पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां 60-70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं और जहां पर मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है और जहां आम आदमी को मसाइल के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वहां पर एक नहायत संगीन मसला HIV/AIDS भी है। इस मसले की संगीनी का एहसास पाकिस्तान में अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ। दरअसल मसला यह है कि हमारे मुल्क में आम तिब्बी सहूलतें ना होने के बराबर हैं, और जहां आम तिब्बी सहूलतें ना होने के बराबर हों वहां एड्स जैसे मर्ज के लिए खास तिब्बी सहूलतों का होना तो बस एक ख्वाब ही लगता है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि हमें यह भी मालूम नहीं कि इस मर्ज में लाहक मरीजों की तादाद कितनी है, और यह जरूरी मालूमात ना होने की वजह से यह मर्ज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2000 है, जबकि बैनुल अक्वामी इदारों का ख्याल है कि इस मर्ज में लाहक मरीजों की तादाद 80,000 से 1,00,000 के करीब है। लेकिन असल हकायक इससे काफी मुख्तलिफ है, और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 1-2% हिस्सा इस बीमारी में मुब्तला है। HIV पॉजिटिव और एड्स के मरीजों पर क्या गुजर रही है या इसके बारे में क्या हो रहा है, हम इसको समझने के लिए HIV/AIDS को इसके मरीजों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं।